नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। पीछे फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से साझा किया था कि एक विशेष खंड ज्योतिष से जुड़ी हुई भ्रांतियां एवं वो क्या योग हैं जिनको आम व्यक्ति भी सरल तरीके से समझ सकता है, उसके ऊपर बनाने के लिए आपसे हमने एक वार्तालाप में साझा किया था। आज उसी खंड को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। भद्रा नामक योग, या जिसको ये कहा जाए कि भद्रा क्या है, किस प्रकार से ये जातक के जीवन के अंदर कार्य करती है, इसी के ऊपर आज एक छोटा बहुत सूक्ष्म चर्चा आप लोगों से आरंभ कर रहे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आचार्य श्री मिश्र जी का शिष्य रहा और उनके माध्यम से मैंने ज्योतिष की जो जटिलता है, गहराइयां हैं, उनको बहुत समझा और बहुत सरल तरीके से समझा। इस योग के बारे में भी आचार्य मिश्र एवं महूर्त चिंतामणि, महूर्त वल्लभ आदि ग्रंथों के अंदर जो पढ़ने को मिला, शिक्षित होने को मिला, दीक्षित होने को मिला और उसमें सहयोग किया मेरे परम आचार्य श्री मिश्र जी ने, उसके कारण क्या योग है जिससे वर्तमान में व्यक्ति ये समझे कि ये भद्रा क्या है, या ये कहें कि जो भद्रा इतने व्यापक रूप में, भ्रामक रूप में प्रस्तुत है, क्या वो सच में इतनी ही भ्रामक है या उसके अंदर कुछ और ही भेद है, कैसे समझें इसको। बीच में आने वाली आवाज़ों के लिए क्षमा चाहेंगे, मैंने बहुत प्रयास किया किंतु मैंने ये अक्सर देखा कि कोई चंद्रमा की गति सूर्य से दूर होती हुई, चंद्रमा की गति सूर्य से दूर होती हुई, दो पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एवं पूर्णमासी अमावस्या, पूर्णमासी के ऊपर चंद्रमा अपने मनोभावों के ऊपर नियंत्रण नहीं करने देता, ऐसा ज्योतिष शास्त्र के द्वारा इंगित है और ऐसा देखने में भी आया है। साथ ही अमावस्या के दिन चंद्रमा मनोभावों को कुसिक्त करता है, शुद्ध करता है, मन के अंदर विकार पैदा करता है, ऐसा भी देखने में आया। अर्थात जब चंद्रमा पूर्ण बली है तो उन्माद मनोभावों पे नियंत्रण ना रहना, ऐसा देखने को मिला। एवं चंद्रमा अगर अमावस्या में है तो मनोभावों के अंदर कुसिक्तता पैदा हो जाना, ऐसी मनोविकारों का जन्म लेना कि जिसको अवसाद, डिप्रेशन कहा गया है, ऐसा देखने को मिला। ये चंद्रमा के दो बड़े मोड़ हुए, ऐसा आचार्य मिश्र का कथन है। मोड़ अर्थात एक वहां पूर्णमासी और एक अमावस्या। इसके साथ साथ ही दो अन्य मोड़ और भी हैं जिनको भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की लगभग लगभग सप्तमी या अष्टमी, वैसे तो सप्तमी है। ये भी वो मोड़ हैं, आप ऐसे समझिए जिस प्रकार से गोला है, एक वृत्त है और उसके अंदर एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर है और एक बिंदु उधर और एक बिंदु इधर है,
ये दो और सूक्ष्म गौण या दो औसत गौण मोड जो जीवन के अंदर कई बार आकस्मिक घटनाएं लेके आते हैं, हुआ इसी प्रकार से दो और सूक्ष्म मोड इसके अंदर आ जाते हैं, वो है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की तृतीया। अब हम इसको पूरा व्रत बना के देखें तो एक बिंदु इधर लगाएं और एक बिंदु इधर लगाएं तो अमावस्या पूर्णमासी दोनों अष्टमी या ये कहें अष्टमी और सप्तमी लगभग, और फिर दो और उसके बिंदु चतुर्थी तृतीया या चतुर्थी और चतुर्थी, औसत रूप में इसको देखना चाहिए। दो जो मुख्य बिंदु हैं वो तो सीधे सीधे नजर आ गए, अमावस्या और पूर्णमासी, जिनमें मनोभावों पर नियंत्रण ना होना या मनोभावों का शुद्ध होना, दो इसमें और औसत गौण बिंदु या छुपे हुए तर्क हुए अष्टमी सप्तमी या अष्टमी या अष्टमी, एवं दो और भी सूक्ष्म बिंदु इसके अंदर उत्पन्न हुए चतुर्थी चतुर्थी या चतुर्थी और तृतीया। ये पूरी चंद्रमा के भ्रमण पथ के मोड हैं और मोड पे ही हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा आचार्य मिश्र का कथन है और बिल्कुल सच भी है। ये देखने को गहराई से ज्ञात हुआ कि जब जन्म पत्रिका के अंदर व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष चतुर्थी अष्टमी के आसपास है तो उस दिन भद्रा विराजमान होती है। भद्रा एक मोड का ही नाम है, या एक भद्रा एक ज्योतिषीय गणना के अंदर विष्टि नामक करण के बारे में कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा महाभयंकरणी का नाम ले लिया गया, किंतु ये समझाने के लिए हम लोगों को सरल भाषा में थोड़ा इंगित करने के लिए कहा गया है। असल में ये मोड है, आप ये देखिए पंचांग की जो जानकारी रखते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है तो उसी के आसपास भद्रा विराजमान होती है, शुक्ल पक्ष की जब अष्टमी होती है तो उसी के आसपास भद्रा विराजमान होती है, कृष्ण पक्ष की तृतीया के आसपास भद्रा विराजमान होती है और कृष्ण पक्ष की सप्तमी के आसपास और दसवीं के आसपास भद्रा विराजमान होती है। अर्थ इसका क्या हुआ कि मोड़ों के ऊपर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आम व्यक्ति कैसे समझे, जिस दिन विष्टि नामक करण उत्पन्न हो उस दिन भद्रा विराजमान होगी। भद्रा को क्यों इतना कहा गया, भद्रा एक प्रकार का वो बिंदु है जो मन के ऊपर मानसिक दबाव लेके आता है, चित्त के ऊपर मानसिक दबाव लेके आता है। अर्थात अगर भद्रा विराजमान है तो ऐसा जातक अत्यधिक मानसिक दबावों में कई बार देखा गया है। क्या करना चाहिए, जल का सेवन करें, अगर आपका देह शरीर चार गिलास जल झेलने लायक है सहने लायक है तो 4.5 लीजिए, या भद्रा क्योंकि अंधकार का भी प्रतीक है तो रोशनी के अंदर प्रकाश के अंदर थोड़ी देर बैठिए, सूर्य की धूप के अंदर सूर्य के प्रकाश के अंदर थोड़ी देर अपना आपको बैठ के रखिए, भगवान शिव का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, घर के अंदर रोशनी संध्या काल के अंदर जरूर कीजिए। ये भद्रा के सामान्य और सूक्ष्म परिहार बताए गए हैं। भद्रा के रूप अटपटे हैं, इनको देखने के लिए कुशल ज्योतिषी को देवज्ञ को इस बात की सूझबूझ होती भी है और होनी भी चाहिए कि जातक अगर भद्रा में पैदा है विष्टि नामक करण में पैदा है तो कहीं अनजाने में हम
उसके मनोभावों को समझने में, पढ़ने में कहीं त्रुटि तो नहीं कर रहे? क्योंकि एक कुशल चिकित्सक, एक कुशल अधिवक्ता, एक कुशल वक्ता, एक कुशल देवज्ञ ज्योतिषी को ये चाहिए कि पहले अपने प्रच्छक से, जो उससे पूछना चाह रहा है, उसके बारे में, उसके जन्मांग से, उसकी जन्म पत्रिका से, उसके जन्म लगन से, उसके विवरण से, ये ध्यान से देखे कि जो संबंधित व्यक्ति हमारे पास हैं उनकी जन्मांग के अंदर क्या क्या ऐसी नाजुकता, क्षीणता, परेशानी छुपी हुई है जिसके कारण से जातक आने वाले जीवन में अपनी प्रगति को उतना कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रहा जितनी वास्तविक में वह कर सकता है। इसीलिए जन्मांग के छुपे हुए रहस्यों को समझने के लिए हर बिंदु को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। परमाचार्य मिश्र का क्या कथन है, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक भोजन बनाने के समय में साग सब्जी के अंदर विभिन्न प्रकार के मसाले आदि उसमें डाले जाते हैं और उनका सभी का थोड़ा थोड़ा सा स्वाद जरूर आता है, उसी प्रकार से जन्मांग के अंदर हर छोटी एवं बड़ी घटनाएं मिलकर ही उस पंचांग को आगे लेके चलती हैं। अतः इसीलिए हर बिंदु के ऊपर बहुत ही सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। भद्रा भी एक किसी बिंदुओं में से मुख्य बिंदु है। अमावस्या पूर्णिमा तो सबको स्पष्ट नजर आई, किंतु गौण बिंदु भद्रा विष्टि नामक करण भी बड़े सावधानी से उसको देखना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग भद्रा के अंदर पैदा होते हैं या भद्रा के समय में, जिस समय भद्रा चल रही होती है उस समय में पैदा होते हैं, उन लोगों के साथ अक्सर मानसिक दबाव देखने को मिला है। दो, ऐसे लोग अक्सर ये भी देखे गए हैं कि दूसरे के कार्यों पर भरोसा ना करके हर कार्य के अंदर अपनी ही संलग्नता देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वजन उठाने की, जिम्मेदारियां उठाने की, भार उठाने की आदत होती है, तो ये सामान्यतः किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी चीजों को एकदम से नहीं डाल के अपने ही दम पे, अपने ही उस पर करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये जिंदगी में, जीवन के अंदर परेशानियां भी उत्पन्न कर सकता है। हमारे से घर के अंदर बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनसे हमें सलाह भी कर लेनी चाहिए। भद्रा नामक बिंदु के बारे में आज मैंने आप लोगों के साथ चर्चा साझा करी। मुख्य बिंदुओं को दोबारा से दोहरा देते हैं। शुक्ल पक्ष चतुर्थी, शुक्ल पक्ष अष्टमी और शुक्ल पक्ष एकादशी, कृष्ण पक्ष तृतीया, कृष्ण पक्ष सप्तमी और कृष्ण पक्ष दशमी के दिन अक्सर भद्रा विराजमान होती है। अक्सर कहें इसलिए क्योंकि समय को देखना चाहिए, ये दिन मान के अनुसार कब से कब तक लगे। विष्टि नामक करण ही भद्रा कहलाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो आम भाषा में समझे तो विष्टि नामक करण में उत्पन्न व्यक्ति भद्रा के अंदर जन्म लेता है। भद्रा के अंदर मानसिक दबाव, मानसिक विकार अक्सर देखे गए हैं। परिहार क्या है? जल का सेवन कीजिए, तरल पदार्थों का सेवन कीजिए, माँ गौरी के ऊपर जल अभिषेक कीजिए समय समय पे, नदियों को दूषित ना करें, जल को दूषित ना करें, प्रकाश कीजिए, मन के अंदर प्रकाशित रहिए, हर्षोल्लास के साथ रहिए। जैसे जैसे आप इन योगों को अपनाएंगे, आप ये देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही प्रगति, बहुत ही आनंद, तरक्की आने शुरू हो जाएगी। साथ ही समय समय पे जो बड़े पर्व होते हैं उन पर्वों के अंदर भी आप अपने
धार्मिक स्थल के ऊपर प्रकाश का दान कर सकते हैं, अर्थात वहां जाके दीपक जलाइए या वहां की रोशनी के अंदर अपना थोड़ा सहयोग प्रदान कीजिए। बद्रा के मंत्र आदि इत्यादियों के लिए अगले खंड के अंदर आपसे चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं संपूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है जब मैं आप लोगों से किसी भी प्रकार से कोई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं तो उसमें बाधा तो आ रही है, तो इसका मतलब है कोई शक्ति है जो इस चीज़ को रोक रही है कि ये जानकारियां ऐसे क्यों जा रही है। देखते हैं, ईश्वर से पूछेंगे किसी दिन, उनसे समझ के देखेंगे कि जब जनमानस की भलाई के लिए कोई जानकारी आगे कर रहे हैं तो देवी भगवती मेरे हनुमान जी महाराज इस रुकावट को दूर क्यों नहीं करते हैं। खैर, फिर भी आप लोगों के साथ हमने इस चर्चा आरंभ करी और साझा किया। मेल के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, त्रुटियों के लिए क्षमा। अपना ध्यान रखिएगा। आज की ज्योतिषीय चर्चा यहीं। खुश रहिए।